दबंग दुनिया ग्रुप अब फिल्म दुनिया में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराएगा। दबंग दुनिया और दबंग न्यूज मीडिया पार्टनर हिंदी और मराठी भाषा में बन रही फिल्म व्हाट्सएप लव का है। ये फिल्म HMG एंटरटेनमेंट के बैनर तले बन रही है और हेमंत कुमार महाले इस फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर है। दबंग न्यूज ने हेमंत कुमार महाले से विशेष बातचीत की। हमारे बीच मौजूद है प्रसिद्ध संगीतकार हेमंत कुमार महाले, जो इस वक्त एक नई फिल्म के निर्माण में जुटे हैं। दबंग दुनिया इस फिल्म का मीडिया पार्टनर है। हेमंत जी, आपका दबंग न्यूज में स्वागत है। एक लंबे समय से आप म्यूजिकल शोज के जरिए दर्शकों के, संगीत प्रेमियों के दिलो दिमाग पर बसे हैं। फिल्म निर्माण ये एक नई विधा है आपके लिए भी, और किस तरह से आपके मन में यह ख्याल आया कि कोई फिल्म बनाई जाए? नमस्कार, मैं हेमंत कुमार महाले, आप मुझे हेमंत कुमार म्यूज़िकल ग्रुप के ऑर्गेनाइज़र के नाम से जानते हैं। पिछले 40 साल से मैं संगीत की सेवा कर रहा हूं और YouTube पर आपने मेरे 500 से ज़्यादा वीडियोस देखे हैं। आप लोगों का प्यार जो मुझे मिला है वो शायद ही किसी और को मिला हो। आज की तारीख में 7 करोड़ से ज़्यादा व्यूअरशिप हेमंत कुमार म्यूज़िकल ग्रुप को है। ये मैं समझता हूँ कि संगीत के प्रति आप लोगों का प्यार ही उमड़ रहा है। संगीत के बाद मैं अभी फिल्म निर्माण में जुट गया हूँ। एक बहुत ही प्यारी फिल्म, एक लव स्टोरी, ऑनलाइन लव स्टोरी जिसे हम कह सकते हैं, हिंदी और मराठी में हम बना रहे हैं। HMG एंटरटेनमेंट्स की ये पहली पेशकश है जहाँ पर म्यूज़िकली एक खूबसूरत फिल्म बनाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसमें प्लेबैक सिंगर श्रेया घोषाल जी, आशा भोसले जी, जावेद अली जी, शबाब साबरी, इन लोगों ने गाने गाए हैं। काफ़ी प्यारा म्यूज़िक है। नितिन शंकर जी, इन्होंने इसको संगीतबद्ध किया है, और अजीता काले और साहिल सुल्तानपुरी, इन्होंने गीत लिखे हैं। इस पूरी फिल्म का निर्माण और निर्देशन मैं खुद हेमंत कुमार महाले करने जा रहा हूं, और मेरी ये तमन्ना है कि मध्य प्रदेश और आसपास के इलाके में जितना भी टैलेंट है वो हमारे साथ जुड़ जाए और हमें संपर्क करे, ताकि हमारी इस फिल्म में हम उनको भी काम करने का मौका दें। बहुत ही जल्द ये फिल्म इंदौर में शूट होने जा रही है। मुंबई और इंदौर, ये इनके लोकेशंस हैं, और इन द मंथ ऑफ दिसंबर इस फिल्म को हम रिलीज कर रहे हैं। हेमंत कुमार महाले ने बताया कि फिल्म की शूटिंग अगस्त से शुरू होगी और कास्टिंग में इंदौर और आसपास के कलाकारों को भी मौका दिया जाएगा। हेमंत कुमार महाले ने दबंग दुनिया ग्रुप और चेयरमैन किशोर वाधवानी की भी प्रशंसा की और कहा कि इंदौर में शूटिंग में दबंग दुनिया ग्रुप का सहयोग रहेगा। जैसा कि हेमंत जी, आप दबंग दुनिया ग्रुप से भी जुड़े हुए हैं और किशोर वाधवानी जी के साथ में कई प्रोग्राम भी आपने किए हैं, क्या लगा आपको जब आपने फिल्म निर्माण का उनको बताया तो किस तरह का उनका सहयोग आपको मिला? जी, इंदौर में मैं जितनी बार भी आया हूँ मोस्टली किशोर वाधवानी जी इनके बुलावे पे ही आया हूँ। मेरे बहुत अच्छे और सच्चे मित्र हैं, और जब मैंने उनसे कहा कि मैं एक फिल्म बनाने जा रहा हूँ तो उन्होंने मुझे पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। इतना ही नहीं कि इस फिल्म में जितने भी सारे होटल्स के सीन हैं वो हम उन्हीं की होटल वाव में शूट करने वाले हैं। इतना ही नहीं, और भी बाकी जो लोकेशंस हैं वो उन्हीं के अपने हैं जहाँ पर इस फिल्म का शूटिंग होगा। तो किशोर जी का जो हमारे साथ सहयोग है वो बहुत ही तारीफ़ काबिल है, और मैं उनका ये सहयोग के लिए हमेशा उनका आभारी रहूँगा। जी, कब से इस फिल्म की शूटिंग शुरू होगी, और जो कास्टिंग के लिए जो लोग इंदौर के कुछ लोग यदि प्रयास करना चाहें? इसकी शूटिंग अगस्त और सितंबर में कंप्लीट हो जाएगी। इंदौर के और मध्य प्रदेश के और आसपास के जितने भी कलाकार इस फिल्म में शामिल होना चाहते हैं वो तुरंत हमें संपर्क करें। हमारा जो नंबर है वो आपको दबंग दुनिया के ऑफिस से ज़रूर मिल जाएगा, या वो यहाँ पर डिस्प्ले भी कर सकते हैं, ताकि आप हमें कॉन्टैक्ट करें और अच्छे से अच्छा टैलेंट हम दुनिया के सामने ला सकें जो इंदौर में मौजूद है।
फिल्म व्हाट्सएप लव के गाने रिकॉर्ड हो चुके हैं, जिसे आशा भोसले, श्रेया घोषाल, जावेद अली और शबाब साबरी ने गाया है। फिल्म में गीत संगीत को लेकर काफी ध्यान दिया गया है। हेमंत कुमार महाले का दावा है कि फिल्म के गीत लोगों की जुबा पर चढ़ जाएंगे। फिल्म को दिसंबर तक रिलीज करने का प्लान किया गया है। हेमंत जी, जैसा कि आजकल एक चलन है कि फिल्म की रिलीज डेट भी पहले से घोषित कर दी जाती है, ऐसा कोई प्लान आपने भी किया है? जी हाँ, मेरे दिमाग में भी एक रिलीज की डेट है। मैं ये सोच रहा हूँ कि 3rd week of December में मैं इस फिल्म को रिलीज करूँ। जैसा कि आपने बताया, हिंदी और मराठी दो भाषाओं में एक साथ ये फिल्म बन रही है, तो क्या दोनों फिल्मों को एक साथ रिलीज होगी? जी हाँ, दोनों फिल्में एक साथ ही रिलीज होगी। और मैंने इस तरह से भी सोचा है कि एक ही थिएटर में, जहाँ 12 से 3 और 306 मराठी फिल्म होगी, वहाँ पर उसी थिएटर में 6 से 9 और 9 से 12 हिंदी फिल्म होगी। इस तरह का प्रयास मैं करने जा रहा हूँ। संगीत को लेकर, जैसा आपने बताया कि इसके गाने रिकॉर्ड हो चुके हैं, तो संगीत को लेकर दबंग दुनिया की जो भूमिका रही है अब तक, आप बताएंगे उस बारे में कुछ? जी, दबंग दुनिया के साथ मैं एक बात ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि आज का जो संगीत होता है, हम देखते हैं, सुनते हैं, कई बार हमें पसंद नहीं आता है, लेकिन जिस तरह से हमने इस फिल्म के गाने बनाए हैं, उसमें युवा की जो पसंद है उसको तो हमने मद्देनज़र रखा ही रखा है, लेकिन साथ ही साथ जो हमारा पुराना संगीत था, हमारा स्ट्रिंग सेक्शन था, हमारे एकॉस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स थे, उनको भी हमने इस गानों में शामिल कर लिया है, ताकि ये गाने हमेशा के लिए सदाबहार रहे और लोगों की यादों में रहे। हमारे पास मोबाइल होता है, मोबाइल में एक ऐप होता है जिसे हम व्हाट्सएप कहते हैं। हमारी फिल्म का नाम है व्हाट्सएप लव, कि किसी हमारे हीरो को व्हाट्सएप पे कोई लड़की मैसेज करती है और सिर्फ मैसेज से वो उसे प्यार करने लगता है, और फिर आगे चल के क्या होता है ये देखने के लिए आपको हमारी फिल्म देखना बहुत जरूरी है। कैमरा पर्सन अमृत के साथ मनोज वाणी, दबंग न्यूज़, इंदौर।